हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। तो यार आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत दिन बाद भाई, क्योंकि बीच में तो बड़ा बिजी हो गए थे और तभी मैंने कहा कि चलो आज व्लॉग बना लेते हैं। तो यार ये मेरी गाड़ी है प्रियस, तो आपने देखी तो थी जब मैंने व्लॉग डाला था। तो यार अभी माशाल्लाह ऐसी हो गई है ना, ये पप्पू गाड़ी हो गई है, बिल्कुल पप्पू गाड़ी देख रहे हो आप। तो यार अभी ना ये बारिश हो रही थी कराची में ना बहुत, तीन चार दिन से। तो अभी मैंने कहा कि चलो इसका थोड़ा ना क्या कहते हैं सर्विस वगैरह करवा लें और फिर इसको ना मैं पॉलिश भी मारूंगा, क्योंकि यार ऐसी गाड़ी मजा नहीं दे रही और बाहर से बहुत ज्यादा गंदी लगी पड़ी। और मैं आपको इसका बाहर का लुक दिखाता हूँ कि बाहर से लग कैसे रही है। अब ओए होए क्या गाड़ी हो गई, और इसका पिक यार ओए होए होए होए, जहाज छोटा जहाज है ये। देखो अभी बस 100 पहुंचने ही वाली है, ये देखो ना 100 पहुंच कैसे रही है। तो भाई हल्की कर लेते हैं, ओए होए 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 होए। चलो ये हमारी टर्बो है, टर्बो फुल टर्बो वाली फीलिंग है इसमें। तो अभी देखते हैं, चलते हैं। ये सर्विस स्टेशन है यार यहाँ पे ना, तो अभी इसके पास आए हैं, देखते हैं क्या करता है यार। इसके पास सर्विस अच्छी होती है। और ये हमारी साइड ही है, क्या कहते हैं ये वैसे है ना सफूरा की साइड है, तो मेरे घर से थोड़ा दूर है, लेकिन मैं बोलता हूँ यार ये बंदा अच्छा है तो करवा ले बंदा। इसकी मैं हाफ करवाऊंगा क्योंकि अभी बारिशें हैं बहुत। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। यार अभी ये गाड़ी की हालत लगी पड़ी है बाहर से ना, ये फुल मीन्स के अभी इसका फुल हालत, ये देख रहे हो ये निशान आए हुए थे। मैंने भाई गाड़ी बहुत साफ करवाई थी, लेकिन दो तीन दिन बारिश में चली ना तो फिर से यही हालत हो गई। तो यार अभी ये गाड़ी है, तो ये हालत चल रही है अभी गाड़ी में, ये देख रहे हो ये यार निशान वगैरह आ गए। और अंदर से माशाल्लाह गाड़ी अपनी वैसे ही नहीं लगी पड़ी है, हमारी प्यारी गाड़ी है यार बहुत। तो खैर अभी अंदर अंदर से ऐसी साफ हो जाएगी ना, ये थोड़े बहुत मट्टी आ गई है इधर। तो खैर अभी देखते हैं गाड़ी को, ये देख रहे हो टायर वायर अभी फुल A1 हो जाएगी। यार अभी मैंने गाड़ी सर्विस करा रहा था, मैंने कहा यार ये जूस ले लूँ क्योंकि पीना था, साइड में स्टोर था, तो अभी आइसक्रीम भी लेनी है एक, तो वो भी ले लेते हैं, ये लूँगा ये। तो यार जब मैंने गाड़ी सर्विस करवाई थी ना, तो गाड़ी की ये माशाल्लाह लुक आ गई थी। और यार माशाल्लाह गाड़ी ऐसी पप्पू हो गई थी ना, A1 क्लास जैसे लग रही है माशाल्लाह। आप माशाल्लाह बोल दीजिएगा यार, गाड़ी माशाल्लाह A1 हो गई। ओए होए होए क्या सेक्सी लग रही है यार, फुल क्लास का लुक है इसका माशाल्लाह यार। तो यार अभी ना रात में मैंने वो क्या कहते हैं गाड़ी सर्विस करवा ली थी, तो शाम हो गई थी, मैंने गाड़ी दिखाई नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं सुबह को ना जब पॉलिश मारूंगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी आए तला भाई के साथ, और ये अहमद भाई हमारे जो उस दिन वो कल्टस में नहीं दिखाया था वो है। तो अभी ये हम लेने आए भाई ये मैक बर्गर्स और ड्रिंक्स वगैरह लिए, ये अहमद भाई ने हमें ट्रीट दिए, थैंक यू अहमद भाई, आपने स्पॉन्सर कर दिया हमें, सही है। तो ये अभी खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं। अभी सीन ये है कि मैं रात को अहमद भाई वालों से होके आ गया था, और तो अभी मैंने कहा कि यार चलो कहीं ना ऐसे ही चलते हैं कहीं घूमने उमने। तो मेरे कज़न ने कॉल की कि यार तुम आ जाओ मेरे पास, तो चलते हैं चेरी के शोरूम। तो अभी दोपहर के हो रहे हैं भाई 4:30 हो रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ भाई 4:48 हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं उसके पास और फिर देखते हैं वो क्या बोलता है। तो यार उसको भी गाड़ी बुक करवानी थी और मुझे भी देखनी थी वैसे के कैसी गाड़ी है। तो अभी चलते हैं उधर, अभी टाइम तो ज़्यादा हो गया है वैसे, लेकिन फिर भी देखते हैं अल्लाह खैर करेगा अगर शोरूम खुला हुआ तो। तो यार अभी फुल हमारी ये प्यारू गाड़ी माशाल्लाह देख सकते हो आप यार कैसी लग रही है अंदर से, बाहर से मैंने आपको दिखाई नहीं यार उस दिन भी, आज मैं दिखाता हूँ। आज यार फिर से वही हालत हो गई है, गंदी हो गई है बिल्कुल ना। तो खैर मसला नहीं है, दिखाता हूँ आपको फिर भी। तो यार मैं आ गया था गाड़ी देखने, ये चेरी टैगो 8 प्रो, यार क्या गाड़ी है माशाल्लाह A1। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मीन्स की क्वालिटी मुझे लगी, फॉर्चुनर तो इसके आगे कचरा है मेरे हिसाब से। तो बेस्ट गाड़ी है वैसे तो देखने में हर एक चीज़ में, इसकी पैडिंग वगैरह पीछे से भी बहुत लग्जेरियस है। ओए होए यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह हैं, ज़बरदस्त गाड़ी है वैसे तो, अच्छी गाड़ी है बहुत। इसका ये डिफेंस मोटर्स है वहाँ पे। तो यार अभी सीन ये है कि हम चेरी देखकर आए थे, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी गाड़ी। गाड़ी में फीचर्स वाइज तो बहुत ज़्यादा फीचर्स भी थे, अच्छी थी गाड़ी। तो अभी सीन ये था कि ना मेरा जो कज़न है वो बुक करवा रहा था गाड़ी, तो लेकिन उसने कहा कि यार उसको कि भाई आप हमसे पेमेंट ले लो और क्या कहते हैं ना गाड़ी आप इसी प्राइस पे लॉक कर दो।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आपको डिलीवरी देंगे जनवरी में, और जो प्राइस होगी वो जब उस वक्त की प्राइस होगी ना, तो वो उस प्राइस पे दे रहे थे गाड़ी। एक मिनट में कॉल उठा लो तो फिर आपसे बात करूँ। तो अभी पता है सीन ये हुआ कि ना, मैंने आपको बताना कि वो मेरा कज़न बुक करवाने गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे ना पेमेंट लॉक नहीं करवा सकते, और ये है कि आप हमें पार्शल पेमेंट दे दो और गाड़ी आप हमसे डिलीवरी ले लो जिन की। और मैंने कहा कि अगर हम फुल पेमेंट देते हैं तो फिर तो लॉक हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं भाई, फिर भी नहीं होगी लॉक, और क्या कहते हैं गंदारा मोटर्स की कोई पॉलिसी है। तो चलो, मैंने कहा चलो सही है भाई। फिर उन्होंने कहा एक दो गाड़ियाँ ऑन पे, ये वो, मीन्स कि उनको ये था कि भाई ये ऑन पे ले जाएं, हम इनको वैसे गाड़ी नहीं देंगे, इनका ये मकसद था। तो फिर उन्होंने दो तीन गाड़ियाँ बताई, हमने उनको एक गाड़ी का कहा था, वो 2100 चली हुई थी, तो मैंने उनको 73 का, उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो 77 मांग रहे हैं, तो शायद वो हो जाए। लेकिन मेरा कज़न भाई बोल रहा है कि यार मैं ऑन पे ना लूँ, असल में वो उसने कभी ऑन पे ली नहीं है। मैंने कहा भाई आजकल वो रहा ही नहीं है कि तुम अगर ऑन पे नहीं लोगे ना, कल को यही गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी यही 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी होगी जनवरी में, जैसे डॉलर रेट ऊपर जा रहा है। तो फिर उसने कहा यार फिर क्या करें। मैंने कहा भाई अगर तुम्हारा सही है काम तो ले लो, बाकी है जो समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दे भाई। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। यार वो भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, वो बोल रहा है यार ये तो गाड़ी 66 की आई थी, 4 लाख अभी बढ़ गई। मैंने कहा भाई लोग गाड़ियां, आज मैंने टोयोटा के रेट देखे भाई 10-10 लाख रुपए गाड़ियां बढ़ी हुई हैं। तो खैर उस हिसाब से समझ ही नहीं आ रही ना बात के मार्केट को हो क्या गया। खैर देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। तो यार अभी मैं घर गया था थोड़ी देर पहले, तो प्रियस में जब था मैं घर गया तो भाई पूरा रोड जाम, तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे लग गया। हमारे ना कराची में एक जगह है नीपा, तो नीपा पे भाई इतना रश, सोच है आपकी 1.5-2 घंटे मुझे सिर्फ नीपा से घर पे पहुंचने लग गए ना। 9 बजे से लगे, तकरीबन मैं 11 बजे घर पहुंचा। फिर अब्बा बैठा हुआ था, अब्बा से ऐसे ही बातें हुई थोड़ी बहुत, फिर पापा के साथ लूडो खेला हमने, लूडो में पापा जीत गए और हम हार गए। तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे ना बहन ने कहा कि यार पिज़्ज़ा खाते हैं आज, तो अभी वो लेने आए। ये है पिज़्ज़ा शेफ वाला, तो इधर हमने कहा कि चलो यार, इसका पिज़्ज़ा भी अच्छा है और पता है सस्ता भी है ना बहुत। जैसे इसकी डील है एक ये ना, तो ये इसकी डील है 3 पिज़्ज़ा 1400 रुपये में, और ये जो मीडियम है वो इनका 350 का है, और जो लार्ज है सिर्फ अगर हम अकेले लेंगे ना तो वो है 1000 का। तो मैंने कहा यार चलो सही है, और इस गाड़ी का मुझे ना राउंड भी लेना था, बहुत दिन हो गए ये गाड़ी चलाई नहीं, तो मैंने चलो ये चला लेते हैं। यार ये गाड़ी है ना, ये लव है लव, इस गाड़ी का मज़ा ही अलग है। तो इसमें वैसे फीचर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक नई गाड़ी होती है ना, नई गाड़ी की जो फील होती है वो नई गाड़ी की भाई हर कोई नहीं समझ सकता। जिसने रखी होगी न्यू गाड़ी, ब्रांड न्यू, भले वो अल्टो होगी ना, उसकी भी भाई इतनी अच्छी फील होती है, उसमें खुशबू ही अलग होती है, वो बात। तो खैर अभी चलते हैं घर इनसे लेके, इनको मैंने पहले ही टेक अवे का ऑर्डर दे दिया था। तो यार अभी रात को ना, कल हम आए थे तो पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, रात में फुल मज़ा किया। तो अभी सीन ये कि आज हम आए थे दो दरिया, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन अभी मैं आया हूँ हाइपर, ये रहा पीछे फुल। अभी अंदर चलते हैं आपको सीन दिखाता हूँ क्या सीन है। वैसे अम्मी वाले साथ हैं ना, तो ऐसे व्लॉगिंग हो ही नहीं, इतने लोग देखते हैं फिर मज़ा नहीं आता है ऐसे, कॉन्फिडेंस लेवल लो। ये मेरा कज़न, ये जो उस दिन आपको दिखाया था। तो यार अभी आए इधर हाइपर के अंदर, यार हालत टाइट हो गई है। मैंने 2-3 बार कोशिश की, मैंने कहा व्लॉग बनाता हूँ फिर, लेकिन बना ही नहीं, क्या कर सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते। फिर अभी देखते हैं, तो फिर चलते हैं कहीं। मैं अभी जा रहा था हाइपर, मैंने कहा यार पानी पीने जाऊँ, तो वहाँ से वाटर बॉटल लेते हैं, चलते हैं अभी। तो यार अभी मैं अम्मी वालों के साथ हूँ, तो इधर ना अम्मी वाले इतने तंग कर रहे हैं, पीछे से बहन परेशान कर रही है, ज़िंदगी हराम कर दी है, खुदा की कसम ज़िंदगी हराम कर दी है यार। तो यार अभी आए हुए हैं मैकडोनल्ड, असल में वहाँ से फ्री हो गए थे हाइपर से, तो ये अभी चलते हैं ऑर्डर देते हैं। ऐसा असल में ना हमें खानी थी ये वेलकम डील है कोई, तो इनकी हम वो खाएंगे फिर मज़े से, फिर चलते हैं घर। तो यार मैं घर आ गया था और ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग एंड कर लूँ,
तो अभी पंखे का इतना शोर आ रहा है। खैर, तो व्लॉग आपको पसंद आया होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है वही करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करो बस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय टाटा, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।